ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। आज सैटरडे है इसलिए आज उत्तर सामर्थ्य सिंह पहला अध्याय पढ़ा था हमने हमने पढ़ी तो भूमिका भी थी प्रस्तावना भी पढ़ा था कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी। और उसके बाद पहले अध्याय में क्या पढ़ा था हमने शुद्ध भक्ति के लक्षण कितने लक्षण बताए थे शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण बताए थे छह लक्षण बताए थे। पल्लवी माता जी बहुत याद रखती है। माता जी ये याद है आपको क्या क्या था कलेश जी प्रभु कलेशनी शुभदा हाँ सदानंद्रा विशिष्ट लघुता मोक्ष लघुता श्री कृष्ण आकर्षणी श्री कृष्ण आकर्षणी वेरी गुड। आप ये कर सकते हैं एक छोटी नोटबुक लेकर के इनको नोट भी कर सकते हैं हालांकि आपके पास ये है ये उत्तर सामर्थ्य सिंधु आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी है स्कैन करी हुई लेकिन आप क्या करते हैं नोट किया हो तो आप उसको देख करके कम से कम ये बता सकते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो उसके पहले मैं पांच प्रकार की मुक्ति के बारे में भी बताया था याद है किसी को वो पांच प्रकार की मुक्ति कौन कौन होती हैं पता होना चाहिए हम जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं
तो ये पांच प्रकार की मुक्ति क्या क्या होती है, तो सबसे निकृष्ट इनमें क्या, निकृष्ट नहीं है मुक्ति है, जो जो भक्त नहीं चाहता वो कौन सी मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, और चार मुक्ति भगवान अपने भक्तों को देते हैं। तो ये इनके नाम पता कोई बता सकते हैं, चार मुक्ति कौन, सार, और मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी, सायुज्य, असामीप्य, सामीप्य और सामीप्य। ठीक ठीक है, आपको याद है, सभी को याद होना चाहिए, सभी को ये चीज याद होना चाहिए। आज हम दूसरे अध्याय पर आ रहे हैं, ये है साधन भक्ति के बारे में, भक्ति कैसी होती है। एक हम करते हैं ना भक्ति, हम भी तो कर रहे हैं साधन भक्ति, ये हम क्या करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे आप उठते हैं सुबह, भगवान को अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, ये इसको कहते हैं साधन भक्ति, या इसको आगे आएगा वैधि भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति का मतलब विधि विधानों का पालन करते हुए, अभी भगवान के लिए प्यार नहीं उमड़ा पहले भाव आएगा फिर प्यार उमड़ता है, तो वो उसको प्रेमा भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये इसका जिक्र इस अध्याय में आएगा। तो माता जी इसको पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्ण माता जी, पल्लवी माता जी। जी माता जी, साधन भक्ति श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की तीन श्रेणियों का वर्णन किया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इनमें से प्रत्येक के अनेक उपभेद है। सामान्यतः साधन भक्ति में दो विशेषताएं हैं, भाव भक्ति में चार विशेषताएं हैं तथा प्रेमा भक्ति में छह विशेषताएं हैं। श्री रूप गोस्वामी क्रमशः इन सब का विवेचन करेंगे। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना अथवा भक्ति योग के पात्रों का उनकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका कथन है कि भक्ति का साधन पूर्व जन्म से अनुपूर्ति रूप में निरंतर चला आता है। भक्ति से कुछ न कुछ पूर्व संबंध के बिना कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ कोई इस जीवन में भक्ति का थोड़ा सा साधन करता है, उसका साधन पूर्ण चाहे न हो परंतु जितना साधन किया है वह नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में वह इससे आगे साधन में लग जाएगा। इस प्रकार भक्ति का साधन निरंतर चलता रहता है, परंतु यदि ऐसा पूर्वक्रम न हो और कोई अकस्मात शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेने लगे तो उसे भी अंगीकार किया जा सकता है, वह भी भक्ति में उन्नति कर सकता है। चाहे जो हो, जिनको जिनकी भगवद गीता और श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों को समझने में स्वाभाविक रुचि है, केवल मनोधर्म और तर्क के परायण रहने वालों की तुलना में उनके लिए भक्ति योग सुगम है। इस कथन के समर्थन में प्राचीन विद्वानों के बहुत से प्रमाण हैं। उनके सामान्य मत के अनुसार चतुर तार्किक जिस सिद्धांत को यत्न पूर्वक सिद्ध करते हैं उसे उनसे प्रबल तार्किक अपनी युक्ति के बल पर काट कर अन्यथा सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकार तर्क के पद की कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं है, अतएव श्रीमद् भागवत आचार्यों का अनुगमन करने को कहती है। यही श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति योग का सामान्य वर्णन हुआ है। पूर्व में भक्ति की साधना रूपा, भाव रूपा और प्रेम रूपा इन तीन श्रेणियों का उल्लेख है। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का विवेचन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, ये जो बड़ा अच्छा बताया है कि ये अगर हमारे पूर्व जन्म में हमने कोई भक्ति की है तो हमको इस जन्म में हमको वो आगे बढ़ती है, ये कहा गया है, ये चलता है निरंतर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई भाग्यशाली ऐसा हो जो, जैसे हम, हो सकता है हमने पिछले जन्म में उस भक्ति की हो जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं और भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, भक्ति कर भी रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और ये भी हो सकता है कोई जैसे आपसे मिले
परेशान हूँ, बहुत दुखी है, आप उसको कह सकते हैं कि आप भक्ति मार्ग पर क्यों नहीं चले जाते हैं, भक्ति करें भगवान की, कम से कम आपके ये जो कष्ट हो रहे हैं ये दूर हो ना हो, आपके कम से कम शांत रहेंगे। जब आप शांत होंगे तो आप अपने उलझनों को सुलझा सकते हैं। क्या होता है जब हम बहुत परेशान में होते हैं तो दिमाग ठीक ठीक काम नहीं करता, क्या करें। जैसे अर्जुन को हुआ था, कार्पण्य दोषो पहत्सो आव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेत्त, अर्जुन ऐसा विचलित हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं। ऐसा सबके जीवन में होता है, कोई बहुत दुखी है, उसको आपसे उसका संपर्क हो गया तो आप उससे कहते हैं कि जहां तक हम समझते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपिए शांत होकर के, और चीजों से इतना उलझिए नहीं। ये पहले आप जप करने को कहिए, उसके बाद उसको अच्छा लगेगा, वो आपके संपर्क में आएगा। आप जब आप कहते हैं जप करने के लिए तो आप ये भी कहते हैं, जब आप दुखी हैं आप बैठिए शांत होकर, दुख हटाइए, शांत होकर सब चीज भूल जाइए, मंत्र जपिए, तो वास्तव में उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। भले ही वो एक माला जपे, दो माला जपे, वो समय से उसको थोड़ा शांत मिलती है। जब आपने उससे कहा जब कैसे करना, तो शांत होकर के सब चीज भूल करके आप उस समय थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और ये जप करो भगवान को याद करके, ये जप करो। उसमें फर्क पड़ेगा आपके साथ, वो फिर पूछेगा अब क्या करूं। अब आपने कहा कि दो माला करो, अब क्या करो, चार माला करो, अब क्या करूं, आठ माला करो। अब उसको थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा है भक्ति में, और आपने कहा अब एक काम और करो, जो आप कर्म करते हैं उसके फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपको मिले, आपको अगर आपका केस चल रहा है, एक केस चलो, आप सब कुछ करो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो मिलेगा भगवान का उसको आशीर्वाद समझ के स्वीकार करो। दुखी मत हो, जरूरी नहीं है आपका फल आपके हिसाब से हो, भगवान जो करेंगे वो आपके भले के लिए करते हैं। आप सोचते हैं आपका खराब हो रहा है क्योंकि आप भौतिक ढंग से सोच रहे हैं, आध्यात्मिक ढंग से आपका भलाई होगा। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा उसको समझाइए तो आपके संपर्क में रहता है, तो वो भक्ति में आ गया। फिर आपने कहा कि आप ये हमारे क्लास होती है, कोई पैसा नहीं लगता, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, एक घंटा अटेंड कर लीजिए, भगवद गीता 18 दिन का महीने में आता है, आप थोड़ा उसको सुनिए। उसको सुन के हो सकता है उसका भाग्य अच्छा हो, वो आपके तरह से वो लेवल 2 में चला जाए, लेवल 3 में चला जाए, भक्ति शास्त्री में चला जाए, और भागवतम भी सुनने लगे साथ साथ, क्योंकि आपके कोर्स में भागवतम नहीं आता। भागवतम आपको सपोर्ट के लिए हम बताते हैं, भागवतम एक आपका एक आधार है जिसके ऊपर आप आगे जितना भी कोर्सेज होते हैं उसमें भागवतम, जहां तक मैं समझता हूँ, कोर्स में नहीं आता। तो ये इस जन्म में भी हो सकता है, ऐसा बताया, इस जन्म में भी अगर, परंतु यदि ऐसा पूर्व क्रम न हो, पिछले जन्म में न हो, और कोई अकस्मात शुद्ध भक्ति के उपदेश में आप लोगों के रुचि लेने लगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, तो उसे भी अंगीकार किया जा सकता है, तो वो भी भक्ति में आ सकता है। ये इसी जन्म से हो गया उसका, आपका पिछले जन्म से था, बहुतों का इसी जन्म से होता है। और एक चीज पक्का, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक चीज आपसे मैं कहता हूं, प्लीज कृपया इस पर पूरा विश्वास करिए, ये गलत नहीं है। रूप गोस्वामी जो थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के वो भक्त थे जिनको चैतन्य महाप्रभु गले लगाते थे, क्योंकि रूप गोस्वामी वो लिखते थे जो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे। तो
तो अब मैं उसमें ज्यादा अभी नहीं कहता क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन है बहुत ज्यादा। तो ये समझिए कि ये गलत नहीं हो सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप भले वैकुंठ जाए न जाए, आप मनुष्य रूप में तो अवश्य पैदा होंगे अगले जन्म में। वो भी कहाँ पैदा होंगे? ऐसे घर में। और अगर आपने भक्ति अच्छी तरह से की, आप स्वर्ग का ऐश्वर्य भी भोग सकते हैं, उससे ऊपर के लोग हैं वहां भी आप रह सकते हैं कुछ टाइम, लेकिन फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा क्योंकि आप वैकुंठ नहीं गए हैं। वैकुंठ जाने के बाद नहीं आना पड़ता। तो आप पृथ्वी पर ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां से भक्ति आगे बढ़ सकती है। और अगर बहुत लंबा टाइम तक किया है तो आपकी बहुत अच्छे किसी योगी के घर में आपका जन्म हो सकता है, कोई सदाचारी पुरुषों के घर में जहां भक्ति ऑलरेडी है, जैसे प्रभुपाद का हुआ था, प्रभुपाद के गुरु का हुआ था। ऐसा भाग्य बहुत कमों को मिलता है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है आपने कितना लंबे टाइम पर भगवान की सेवा की। तो ये बहुत अच्छा बताया है एक। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि आप बिल्कुल पूरा विश्वास करिए कि भक्ति करने के बाद मनुष्य रूप तो जरूर मिलेगा। हाँ, बीच ऐसा नहीं, पाखंडीपन नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति पर हैं तो आप में कोई गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। जितनी भी चीजें जो 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 समाज के हिसाब से, जो मनुष्य के, जो मनुस्मृति के हिसाब से हम चलते हैं कि हम किसी को धोखा न दें, किसी का किसी की चोरी न करें, किसी को तंग न करें, ये चीजें सत्य होने चाहिए। आप सत्यता आप में होनी चाहिए। और जो आपके ये भक्ति में जो हमारे छह हमारे उपाधियां हैं, हमारी हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ये उपाधियां थोड़ी सी हट धीरे धीरे हटने लगेंगी। आपको किसी कोई लोभ नहीं होगा, आपको क्रोध बहुत कम आएगा, आएगा कभी कभी, जहां पर ठीक होना चाहिए वहां पर क्रोध कोई गलत नहीं है। क्रोध आना, आप जैसे हनुमान जी श्रीलंका में आग लगाए, क्या हंस के लगाए होंगे, बहुत गुस्से में होंगे क्योंकि वो जरूरी था वहां पर ऐसा। और बच्चा बहुत गलत काम कर रहा है, माँ चैटा में मार देती बच्चे को गुस्से में, ये गलत नहीं है, ये चैटा बच्चे के लिए आशीर्वाद, ये ऐसे समझिए। तो गुस्सा लेकिन गलत, आप गलत जगह पर अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए आप गुस्सा करते हैं। कैसे? कहा किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, वहां पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गलत आपके हिसाब से वो गलत लगता है, आप ऐसे नहीं हैं। तो आप किसी ने आपको बोला आप झूठे हैं, आप अहंकारी हैं, आप ये हैं, तो उस पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? ये चीजें हम में हैं तो इसमें गुस्सा नहीं आना, और नहीं भी है तो फिर तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं है तो आप तो हंसेंगे। ये चीजें होने लगती हैं। कहाँ पर थे माता जी हम? प्रभु जी साधन का अर्थ है, इससे नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ प्रभु जी। हाँ ठीक है माता, साधन का अर्थ। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा साधन का अर्थ है किसी कार्य विशेष में इंद्रियों को लगाना होता है, अतः साधन पथ का अर्थ है अपनी सब इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना। कुछ इंद्रियां ज्ञान अर्जन के लिए हैं तो कुछ संकल्प संवेदन और विचार को कार्य रूप देने के लिए हैं। इस प्रकार साधन का अभिप्राय मन और इंद्रियों को भक्ति योग के आचरण में लगाना हुआ। ये साधन किसी अस्वाभाविक कृत्रिम गुण को विकसित करने के लिए नहीं है। जैसे कोई बालक चलना सीखता है, ये चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की योग्यता मूल रूप में बालक में होती है, इसलिए केवल थोड़े साधन से वो भली प्रकार चलने लगता है। इसी भांति भगवत भक्त की जीव की स्वाभाविक प्रगति है। आदिवासी जैसे असभ्य मनुष्य तक प्रकृति के नियम से घटने वाली किसी अद्भुत घटना के प्रति नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। वे तब ये समझते हैं
इस अद्भुत घटना अथवा कार्य के पीछे किसी दैवी सत्ता का हाथ अवश्य है। अतएव भावना जीव मात्र में चाहे वृद्धावस्था में सुप्त रूप में क्यों ना रहे, प्राकृतिक दोषों के आवरण से शुद्ध हो जाने पर ये कृष्ण भावना कहलाती है। ऐसे विधि विधान जिनसे हम अपनी इंद्रियों को और मन को इस प्रकार लगा सकते हैं कि हमारा सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे थोड़े अभ्यास से बच्चा चलने लगता है जिसमें चलने की मूल क्षमता नहीं है, वो कितना भी अभ्यास क्यों ना करे पर चल नहीं सकता। कृष्ण भावना को किसी भी साधन से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तव में ऐसा कोई साधन नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध है, परंतु जब जीव भक्त को जो उसका आंतरिक गुण है विकसित करना चाहे तो ऐसे कुछ साधन हैं जिनका आचरण करने से वो सोया हुआ गुण जागृत हो जाएगा। इसी अभ्यास का नाम साधन भक्ति है। माया शक्ति के वशीभूत हुआ जीव अस्वाभाविक प्रमत्त दशा में है। श्रीमद् भागवत में कहा है, सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त रहता है क्योंकि वो निरंतर उन्हीं क्रियाओं में तत्पर है जो बंधन और दुख का कारण बनती है। मूल रूप में आत्मा सच्चिदानंदमय है, प्राकृत क्रियाओं में पड़ जाने के कारण वो दुखी क्षणिक और पूर्ण रूप से अज्ञानी हो गया है। ये विकर्म का फल है। विकर्म उस कर्म को कहते हैं जिसे नहीं करना चाहिए, इसके उपचार रूप में साधन भक्त का आचरण करना है। इस अभ्यास के मुख्य अंग ये है, प्रातःकाल मंगल आरती अर्चन करना, उस प्राकृतिक क्रियाओं से बचना, गुरु वंदन आदि अन्य बहुत सी विधि विधानों का पालन भी करना है जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। इन साधनों से उन्माद दूर करने में सहायता मिलेगी। वैद्य मनुष्य के मस्तिष्क रोग को दूर करता है और ये साधन भक्त माया के कारण बद्ध जीव की उन्मत्तता को मिटा देती है। नारद मुनि ने इस साधन भक्त का उल्लेख श्रीमद् भागवत 7.1.32 में किया है। वे महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जिस किसी उपाय से मन को श्री कृष्ण में लगाना है इसी का नाम कृष्ण भावनामित है। आचार्य का कर्तव्य है कि ऐसे उपाय करे जिससे शिष्य का चित्र श्री कृष्ण में एकाग्र हो जाए, यही साधन भक्त का उपक्रम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस उद्देश्य कि हमें एक प्रामाणिक कार्यक्रम दिया है जो हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर आधारित है। ये कीर्तन इतना दिव्य शक्ति संपन्न है कि इसके साधन से श्री कृष्ण में तत्काल आसक्त हो जाती है। इससे साधन भक्त का सूत्रपात होता है जिस किसी प्रकार मन को श्री कृष्ण में निवेशित करना है। संत प्रवर्त अम्बरीश महाराज ने राज्य का दायित्व होते हुए भी अपने मन को श्री कृष्ण में लगा रखा था। इस प्रकार जो कोई अपने मन को एकाग्र करने का साधन करेगा वो अपने स्वरूप भूत भावना का पुनर्जागरण करने में बहुत शीघ्र सफल होगा। इस हरे कृष्ण ये जो बताया बहुत अच्छा कि हमें जैसे बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, बच्चे की स्वाभाविक है, आप माँ मदद करती है बच्चे को उठा करके चलने के लिए और बच्चा थोड़े दिन में चलना शुरू करता है। बच्चे में ऐसा नहीं है कि माँ के वजह से हो गया, वो स्वाभाविक उसमें गुण है, वो चलना सीखना चाहता है। जैसे आप देखते हैं हम तो बच्चों को चलाते हैं तो जानवरों में तो अपने आप करना पड़ता है, और जानवरों के बच्चे भी होते हैं, लुढ़कते हैं, लुढ़कते चलने शुरू करते हैं, ये उसका स्वाभाविक गुण है। तो स्वाभाविक गुण हमारा भी, मनुष्य का भी भक्ति है। कृष्ण भावनामृत हमारा स्वाभाविक गुण है, भगवान की तरफ जाना, लेकिन माया की वजह से सब कुछ वो ढक गया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा हटाना, तो ये चैतन्य महाप्रभु तरीका है भक्ति योग के द्वारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि हरि नाम जपो, बस कलयुग में हरि नाम जपो, इससे आपके भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगी। तो जितने भी लोग हैं, और क्या कहा, माला जपो, और प्रभुपाद ने तो फॉर्मूला बता दिया ऐसा करो, बस ये करके आपकी भक्ति जागृत हो जाती है। जो भगवान के प्रति आपका जो पीठ लगा रखी थी और भगवान के आपने भगवान के उन्मुख हो गए, उनकी तरफ आप अपने अपने को मोड़ लिया है उस तरफ, ये है आपकी साधन भक्ति जिसकी बात हो रही है। तो इससे जितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 आपको जब ये होता है, कभी कभी आपको लगता है
हाँ ये तो कह रहे हैं चार माला बढ़ा करके आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे एक दो लोगों से बात हुई कैसा लग रहा है, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि आपके जो आप जप कर रहे हैं, जप करते समय शांत एकदम हो करके और उस ध्यान बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर ऐसा अगर कोई करेगा, अगर फर्क ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। उसी को वो आनंद को ही हम भक्ति, भक्ति में वही आनंद आता और बढ़ाते हैं। फिर आपको भगवान से जैसे कल हम पढ़ रहे थे शाम की क्लास में, कर्दमा मुनि ने तपस्या की, कर्दमा मुनि देवहूति के पति थे, देवहूति की मनु स्वयं वह मनु की बेटी, उसकी शादी राजकुमारी की कर्दमा मुनि से कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जब कर्दमा मुनि भगवान की भक्ति करना चाहते थे लेकिन ब्रह्मा के पुत्र थे और प्रजापति हुए ना ये मुनि ऋषि मुनि लोग जो पैदा हुए ब्रह्मा जी से, तो इनको सृष्टि करने के लिए कहा क्योंकि अच्छी संतानें पैदा होंगी। तो कर्दमा मुनि को कहा कि तुमने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने। कर्दमा मुनि ने 10,000 साल तपस्या की, 10,000 साल सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र होती है, 10,000 तक तपस्या की। भगवान आए कर्दमा मुनि के सामने, भगवान के उसका जो हृदय भगवान की तरफ था, कर्दमा मुनि चाहते थे मुझे अच्छी पत्नी मिले। देखो अब इसको क्या कहते हैं आप, ये भौतिक इच्छा है, ये भौतिक इच्छा है कि मुझे अच्छी पति मिले, लगता है ना। नहीं, कर्दमा मुनि भक्ति चाहते थे और अगर अच्छी पत्नी न मिले तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, उन्होंने गृहस्थ में लंबा नहीं रहना था, तो इसमें पति का पत्नी का बहुत ही सहयोग चाहिए, ये भी बात थी। और तो उन्होंने ऐसी तपस्या की, भगवान आए, भगवान उसकी तपस्या से इतने खुश हुए भगवान के आंसू निकल गए, आंसू की बूंद नीचे टपकी और बिंदु सरोवर बन गया। बिंदु सरोवर है ये गुजरात में है, सुना मैंने, उसके बगल में सरस्वती नदी है, उसका वर्णन हो रहा था। भगवान खुश होकर के भक्त के लिए ना ऐसा करते हैं अपने भक्त के लिए, तो यही। और उस भक्त ने इतनी लंबी तपस्या की, ब्रह्मा जी ने उतनी लंबी तपस्या की, भगवान ने कहा मैं बहुत ही खुश हूं तुमसे। और ये हमने देखा प्रभुपाद ने इतनी बड़ी तपस्या की, प्रभुपाद ने, प्रभुपाद का भगवान पहले टेस्ट करते रहे, ऐसे कठिन परिस्थिति में डाला ताकि उसमें आदमी छोड़ देता, आपने नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी हालत भी प्रभुपाद की हुई, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे आपके आंसू निकल जाएंगे, इतनी तकलीफ में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभुपाद ने फिर भी नहीं छोड़ा और जब भागवतम के 3 स्कंद पूरे किए उसके बाद ट्रांसलेशन किया और उसको करने के बाद तब उन्होंने कहा अब मैं कोशिश करता हूं गुरु की आज्ञा का पालन करूं। गुरु ने कहा था कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ये मैसेज दो और जब तुम्हारे पास पैसा हो तो उस पैसे का इस्तेमाल किताबें छापने में करना। प्रभुपाद ने तकलीफ में थे, इतनी तकलीफ में थे, मतलब तकलीफ किसकी, एक तो शरीर उनका बहुत स्वस्थ नहीं था और दूसरा उम्र हो गई थी, करीब करीब 70 साल के थे प्रभुपाद, 69-70 के करीब जब अमेरिका गए थे। इतनी तकलीफ में प्रभुपाद ने कंटिन्यू रखा
फिर उनको फिर कुछ लोगों ने वहां भी तंग किया, फिर उनके पास कुछ अच्छे लोग भी आए, आते गए। अब भगवान ने कहा हाँ ये भक्त तो मेरा बहुत हठी है, ये तो छोड़ने वाला नहीं है, खुल के जैसा प्रभुपाद को चाहिए था शुरू में उससे भी ज्यादा दिया, इतना दिया प्रभुपाद ने जैसे 10 अपने डिसाइपल्स को भक्ति योग पर शिक्षा दी, 10 को 10 जगह भेजा, 10 कंट्रीज में, तुम वहां सेंटर खोलो, नए लोगों को ये भक्ति योग पर बताओ। फिर और 10 हुए, और जगह भेजा, ऐसे ऐसे करते करते सारे विश्व में कृष्ण भावना संगठन स्थापित किए प्रभुपाद ने। प्रभुपाद से भी भगवान बहुत खुश हुए, इसलिए सब कुछ दे दिया। पहले इतने जो आदमी एक एक पैसे के लिए वो उनको तकलीफ थी, और उनको भगवान ने इतना धन दिया कि वो देखो वो भक्त क्या अपने लिए थोड़ी चाहिए, उनको उसने कितने मंदिर खोले। और प्रभुपाद भूले नहीं गुरु की, गुरु ने कहा इंग्लिश स्पीकिंग वो भी कर दिया, क्या कहा, पैसा होगा तो किताबें छापना, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट प्रभुपाद ने स्थापित किया, ये जो BBT है कि जहाँ किताबें छपती हैं, ये इस्कॉन और ये अलग अलग, ताकि BBT का पैसा इस्कॉन में नहीं जाता, तो किताबों का ये है BBT में रहता है, ताकि इस्कॉन रहे न रहे BBT की किताबें चलती रहेंगी। ये प्रभुपाद को जो कहा था बिल्कुल वैसा उन्होंने फॉलो किया। तो ये झूठ कभी नहीं होता, भगवान के भक्त जो हैं उनको भगवान खुश होते हैं तो ऐसा करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अत्रेय माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है, इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है, और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ये वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है, साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें ये अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वो शत अच्छा को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि ये भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु ये प्रेममय सेवा की भेंट स्वतस्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधि तथा रागानुगा। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। वैधि भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी 2.1.5 हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें ये निर्देश दिया कि राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय
वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वो किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहने हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसीलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्यों को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे ये नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण का नाम का कीर्तन करे या देवताओं का नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसीलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वे हमें समस्त संकट से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकाल पाता और इस तरह वो अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि प्रकृति से कहाँ फेंके दे रही है। यदि कोई मनुष्य योनि में अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाए और उसका आत्म स्वरूप खोया रहेगा। जीव योनियां अनेक हैं, कोई नहीं जानता कि वह आगे पौधा बनेगा, पशु अथवा पक्षी या कुछ और। अपनी अर्ध स्वरूप भूत भावना कृष्ण भावना को पुनः उद्भावित करने के लिए रूप गोस्वामी का परामर्श है कि किसी ने हमें अपना मन दृढ़ता से श्री कृष्ण में निवेशित कर देना चाहिए। ऐसा करके परिणाम में मृत्यु से निर्भय हो जाएं। मरने के बाद हमारी गति क्या होगी हमें पता नहीं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के परवश हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति पर नियंत्रण है, इसलिए यदि हम निष्कपट भाव से श्री कृष्ण का आश्रय लें तो नाना योनियों के चक्र में वापिस फेंके जाने का भय ना रहेगा। निश्चित रूप से कृष्ण लोक में प्रवेश करेगा, जैसा भगवद गीता में प्रमाणित है। पद्म पुराण में भी इसी पद्धति का विधान है। वहां कहा गया कि निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण के इस नित्य चिंतन को ध्यान कहते हैं। विधान है कि मन को विष्णु पर एकाग्र करके ध्यान करें। पद्म पुराण के अनुसार ध्यान के द्वारा मन को श्री विष्णु में निवेशित कर देना चाहिए, जिससे क्षण भर को भी उनका विस्मरण कभी ना हो। चेतना की इसी अवस्था का नाम समाधि है। अपने जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार ढालने के लिए हमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे विष्णु कृष्ण का स्मरण निरंतर रह सके। इसका नाम कृष्ण भावनामृत है। ध्यान चाहे चतुर्भुज विष्णु का किया जाए अथवा द्विभुज श्री कृष्ण का, एक ही बात है। पद्म पुराण कहता है कि जिस किसी प्रकार सदा श्री विष्णु का चिंतन करें, किसी भी परिस्थिति में उनकी विस्मृति ना हो। ये संपूर्ण विधानों में सबसे मूलभूत है। जब किसी कर्म का विधान किया जाता है तो उसके साथ कुछ निषेध भी होते हैं। जब यह विधान किया गया है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो यह निषेध भी समझना चाहिए कि उनकी आगे करना विस्मृति कभी ना हो। इस सीधे से विधि निषेध के अंतर्गत संपूर्ण विधि विधान आ जाते हैं।
ये विधि ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब वर्ण आश्रमों के लिए है। विधि विधान केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही आचरणीय नहीं वरन सभी के लिए पालनीय है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी, उत्तम साधक है अथवा कनिष्ठ। श्री भगवान का निरंतर स्मरण एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलना, इस सिद्धांत का अनुसरण सभी को अवश्य करना चाहिए। यदि इस विधान को माना जाए, हरे कृष्णा। ये जो बताया है आपने, पढ़ा पहले भी जो पढ़ा था, क्या होता है कि आप अगर भगवान का नाम जपते हैं जैसे आपको कहा गया, तो ये जपते 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 बाद में आपकी ये एक आदत हो जाती है। ये इस वजह से अगर हम मृत्यु के समय जो सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा पहले तो मृत्यु के भय से हटना है, और वो तभी हो सकता कि जब भगवान का स्मरण हो। तो जब आप कृष्ण भावना मृत में आते हैं तो आपको अब मृत्यु का डर है ही नहीं, क्यों? अब इसमें जब नाम जपते हैं तो मरते समय अगर हम होश में हैं तो अवश्य आपका मन करेगा कि आप भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान ने कहा है भगवद गीता में, मरते समय यम यम वापिस परम भावन त्यजंत अंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जिस जो चीज का आप स्मरण करते हैं आपका दूसरे जन्म में वही आपको मिलता है। अगर आप भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम जप रहे हैं, भगवान राम का नाम जप रहे हैं, भगवान नृसिंहदेव का नाम जप रहे हैं, जो भी आप जिन जो आपको पसंद हो, जिनसे आपका दिल में जो बैठे हों आपके, उनका नाम जप, भगवान का कह रहा हूँ, हाँ ध्यान रखिएगा, विष्णु तत्व का वो नाम आप जप रहे हैं, तो आप वैकुंठ जाना आपका पक्का है 100%। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो ये कब होता है? उसका होगा जिसने जो कृष्ण भावना में तो सोचेगा भी नहीं कभी, वो तो यही सोचेगा और क्या क्या हो सकता है, घर का बंदोबस्त कैसे करना है, तू ये करेगा ऐसा करना, अगर होश में होगा तो। आपने देखा है यही कहते हैं, तुम ऐसा करना, मैं वहां ये नहीं कर पाया, उसको कर लेना, इसको कर लेना, ये होता है मरते समय। और अगर कृष्ण भावना मृत में है वो कहेगा कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, जरा ये मंत्र बोलते जाओ मेरे सामने, और अपने को उधर ध्यान लगाएगा, आप उनके लिए बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप तो वो सुन रहे हैं। और अगर उनके आंखों की रोशनी ठीक है तो आप उनके सामने भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की तस्वीर लगा दीजिए, उनके तरफ उनका ध्यान आ जाए, आप पढ़ रहे हैं कानों में उनके शब्द, हो सकता है भाग्य ऐसा हो उनका कि मरते समय ध्यान उसमें गया तो वैकुंठ चले जाएंगे। ये बताया, हरे कृष्णा, पढ़ाइए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सुषमा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाते चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 11.5.23 में हुआ है। राजा नेमी को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से और तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को
भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता हैं, अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा ये है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ ये आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरणार्थ भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को स्थिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो ये समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहार, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा। शकुंतला पावर जी, शकुंतला पावर माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसी प्रकार क्षत्रिय का कर्तव्य माया के आक्रमण से जनता की रक्षा करना है। महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह देखा कि एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति गौवध करने को उद्धत है, तो तत्काल उन्होंने उस दुष्ट कली को मारने के लिए खड़ग उठा ली। यह क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य है, रक्षण के लिए हिंसा आवश्यक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष आज्ञा दी है कि जन साधारण की रक्षा के लिए वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हिंसा करे। वैश्यों का कार्य कृषि पदार्थों का उत्पादन, क्रय विक्रय और वितरण करना है। शूद्र वर्ग में वे आते हैं जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की बुद्धि का अभाव है। इस श्रेणी के लोग शारीरिक श्रम के द्वारा तीनों उच्च जातियों की सहायता करते हैं। इस विधि से सब वर्णों में पूर्ण सहयोग रहता है और सब पारमार्थिक प्रगति करते हैं। उपरोक्त सहयोग के अभाव में समाज का पतन हो जाएगा। इस कलह के युग कली में यही स्थिति है। कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाता, फिर भी सब ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसे मनुष्यों की कोई स्थिति नहीं है। वे श्री भगवान से बहिर्मुख हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। ऐसे में इस कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज को सुव्यवस्थित करना है, जिससे सब सुखी हों और कृष्ण भावना का विकास करके लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश किया कि वर्णाश्रम के विधान का पालन करने से भगवान तृप्त होते हैं। परिणाम में संपूर्ण समाज को जीवन की सब आवश्यक वस्तुएं सुगमता से सुलभ हो जाती है। यह इसलिए है क्योंकि वास्तव में तो श्री भगवान ही सब प्राणियों के भर्ता हैं, और यदि सारा समाज अपने कर्तव्य पालन में कटिबद्ध है और कृष्ण भावना भावित रहे, तो इसमें संदेह नहीं है कि उसके सारे सदस्य बड़े ही सुख शांति से रह सकेंगे। जीवन की आवश्यकताओं से भरा पूरा सारा जगत वैकुंठ बन जाएगा। भगवत धाम में जाए बिना केवल श्री भागवतम श्रीमद भागवत का आज्ञा पालन और कृष्ण भावना भावित कर्तव्यों का पालन करने से सारी मानव जाति सब प्रकार से सुखी हो जाएगी। श्रीमद भागवत 11th
27.49 में ही एक अन्य वाक्य है जिसमें श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, सभी मनुष्य वैदिक लौकिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, यदि वे कृष्ण भावना भावित होकर इनमें से किसी भी प्रकार की क्रियाओं के फल से मेरी अर्चना करें तो अपने आप उनके लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। श्री कृष्ण के इस वाक्य से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान की कृष्ण भावना भावित क्रियाओं से सबकी सर्वाभिष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीं। मनुष्य मात्र जो कुछ कर रहा है उसी में लगा रहकर अपनी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के फल से श्री कृष्ण की आराधना करे, इससे सारी परिस्थिति का समाधान हो जाएगा और जगत में सब सुख शांति लाभ करेंगे। नारद पंचरात्र में भक्ति के इस विधि विधान का वर्णन है। शास्त्र में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी क्रियाएं बताई गई है उसे संत पुरुष भक्ति की विधि मानते हैं। यदि कोई सद्गुरु के आश्रय में नियमित रूप से इस प्रकार भगवत सेवा का आचरण करे तो शनै शनै शुद्ध भगवत प्रेममय सेवा भाव को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ये एक बताया कि कोई भी हो, किसी आश्रम में हो, किसी वर्ण का, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या आश्रम में ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। वानप्रस्थ सन्यासी का काम ही भगवान की भक्ति करना है और ब्रह्मचारी में ज्ञान पूरा प्राप्त करना है भगवान के बारे में और ग्रस्त के बारे में, सब चीज के बारे में। और ग्रस्त में तो ग्रस्त है, इंद्रिय भोग का सुख भी मिलता है। और यही एक आश्रम है, ग्रस्त आश्रम, जिसमें कठिनाई होती है भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐश्वर्य इतने मिल जाते हैं आपको, आप ग्रस्त आश्रम में आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कभी कभी पैसा इतना आ जाता है आपके पास, आप भगवान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। सबकी नहीं है, कुछ तो पैसा कितना आ जाए उनको उसका असर नहीं होता, वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य ज्यादा होने से आपको बहुत मुश्किल होता है कि भक्ति में रहना। इसीलिए देवताओं को महान क्यों कहा जाता है? देवता इतने ऐश्वर्य से युक्त हैं फिर भी भगवान को नहीं भूलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं देवता लोग। इसलिए देवताओं को भगवान के महान भक्त कहते हैं, या उनको कहते हैं भगवान के एडवांस डिवोटीज इंग्लिश में। क्या वो भगवान के शुद्ध भक्त से बड़े हैं? नहीं, भक्ति में शुद्ध भक्त सबसे बड़ा है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भक्त की बात कर रहा हूं मैं, साधक की नहीं, तो वो सबसे बड़ा है। लेकिन जो भगवान ने ये ब्रह्मांड की देखभाल के लिए देवताओं को नियुक्त किया है, क्योंकि देवता भगवान के भक्त होते हैं, इतने ऐश्वर्य में रहते हुए भगवान को नहीं भूलते, इसलिए भगवान उनको मदद करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को कोई तंग करता है, ये क्षीर सागर के पास जाकर के अपनी पुकार भगवान को कहते हैं, हम ये तकलीफ में है, भगवान सुलझा देते हैं, उनको मदद कर देते हैं। कभी कोई राक्षस तंग करता है, कभी कुछ तंग करता है, इंद्र ने कहा कि मेरी कुर्सी जा रही है, बलि आ गया राक्षस खानदान से, बलि आ गया, बहुत पावरफुल है, क्या करें। तो भगवान वामन देव आकर के बलि महाराज को सुतल भेज दी। लेकिन बलि महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो भगवान ने कहा तेरे को इंद्र का पोजीशन मिलेगा, अभी तो वहां रह, अब सुतल में, लेकिन चिंता नहीं है, मैं तेरे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। ताकि कितना बड़ा वरदान दे दिया भगवान ने कि वो सुबह शाम बाहर निकलते अंदर आते भगवान के दर्शन करता है, भगवान द्वारपाल है सुतल। तो किसी भी उसमें, तो गृहस्थ में ही
खतरा होता है भगवान को भूलने का। इसलिए जो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत में आकर के ग्रस्त भी किसी वर्ण का, वो शूद्र हो, वो वैश्य हो, वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जो अगर शूद्र भी कृष्ण भावनामृत में आकर के वैष्णव बन जाता है, ब्राह्मण से ऊपर हो गए। आप ये नहीं कह सकते हैं शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, तो वैष्णव बन गया। भगवान कृष्ण के प्रति किसकी प्रेम, किसका उमड़ जाए पहले, भक्ति में लग जाए और काम करे भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, तो वो वैष्णव बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, इतना पीटा गया उनको और जब वो अधमरे हो गए, मरा हुआ समझ के छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम भगवान कृष्ण से जाग गया, तुम लोग अल्लाह को प्रेम करते हो, मेरे कृष्ण से प्रेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कौन सुनता हूं। चैतन्य महाप्रभु को मिल गया अपना भक्त हरिदास ठाकुर, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण माने जाते हैं, सबसे उच्च कोटि के वैष्णव माने जाते हैं हरिदास ठाकुर, आप जानते हैं। उसी तरह रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, ये तो बहुत ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन वो नवाब के यहाँ जो राजा था बंगाल का, उसके यहाँ मिनिस्टर थे, दोनों ने अपने नाम मुसलमान नाम रख लिए, सागर मलिक और उनका नाम क्या था, ये रख दिए। और जब चैतन्य महाप्रभु मिले उनको, क्योंकि ये भक्त थे अंदर से, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या कर रहे हो यहाँ, पूरी आ जाओ, जॉब छोड़ के दोनों भगवान चैतन्य के शरण में आ गए। इतना महान काम किया ये रूप गोस्वामी का है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, उसका जो आशय है। तो ऐसा है, तो भक्ति में आने के बाद तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, तो ये भक्ति है, साधन भक्ति दो प्रकार की है आपकी, एक है वैदिक भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में आपका भगवान से प्रेम होने लग जाता है। हम इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, सबका में थोड़ा रागानुगा थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा किसी में बहुत ज्यादा होगा। एक माता जी ने कहा था, जब मैं उनकी भक्ति करते हूँ मुझे आंसू निकलते हैं और वो मेरे हृदय में दिखते हैं, मेरे हृदय में है करके मैं समझते हूँ, मेरे आंसू निकलते हैं। ये है रागानुगा भक्ति। आप भगवान से आपका राग उमड़ जाता है। तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में हम जब ये कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रागानुगा हमें भी है, ज्यादा नहीं है। कैसे, आप कहीं गए, यहाँ से विदेश गए, किसी कंट्री में गए, आपको पता लगा कि यहाँ पर एक इस्कॉन का मंदिर है या राधा कृष्ण का मंदिर है, आप वहाँ गए, जाकर के आप भगवान को देखा, आपका भगवान के लिए जो राग है उमड़ पड़ता है, एकदम प्रेम, इतने खुश हो जाते हैं आप, आपको वहां से हटने का मन नहीं करता। ये रागानुगा है, यहाँ पर नहीं है लेकिन वहां आपको दिखता है। इसका मतलब जो अभी पहले हम पढ़ रहे थे कि है अंदर लेकिन ज्यादा अभी विकसित नहीं हुआ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देशतानि। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा।